गमले ले ले, तुलसी लेनी है मुझे तो। अच्छा एक्सक्यूज मी, तुलसी है तुम्हारे पास? अरे हाँ मैडम। अरे महक, तुम क्या बात है, बड़े दिन बाद मिली, आओ गले मिलते हैं। पीछे होकर बात करो ना, दिमाग खराब हो गया है, पूरे दिन मिट्टी में काम करती रहती हूँ, मुझसे चिपको कि मुझे इन्फेक्शन हो गया तो। अरे काहे का इन्फेक्शन, मिट्टी से कौन सा इन्फेक्शन होता है, इसी मिट्टी से पैदा हुआ, इसी मिट्टी में मिल जाना, इससे इन्फेक्शन थोड़ी ना होता है। क्या बात कर रही हो, और वैसे भी तुम इतनी गोरी, थोड़ा पाउडर ही लगा देंगे, देसी पाउडर कहते हैं हम लोग इसको। दिमाग खराब है क्या, पता नहीं ये कैसे बात करते हैं, आसपास लोग भी हैं, ऐसे गवारों की तरह बात मत करो। अच्छा? और लोगों को ऐसे मत दिखाओ। तो ये 10-12 बंदों का झुंड तुम लेके चलती हो, सही है। वैसे तो तुम अकेले नहीं चल सकती हमारी तरह सड़क पर। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें पौधा चाहिए ना, आओ तुम्हें दिखाते। चाहिए था, अब नहीं चाहिए, अगर ये रेडी तुम्हारी है ना, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे और तुम क्या बोल रही थी कि 10-12 लोग साथ लेकर घूम रही हूँ? हाँ। अरे इतनी अच्छी हूँ मैं कि लोग मेरे साथ रहना पसंद करते हैं, और तू यहाँ पर अकेली सी, क्योंकि तेरा हुलिया देखकर, तेरा ये काम देखकर मैं तुझसे दोस्ती ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता भाई, इतना अच्छा काम करती हूँ, सुंदरता करती हूँ, मतलब इससे सांसें आती है, तुम्हें नहीं पता पेड़ पौधे लगाने की, शुरू से ही देखा था, जब भी हमारा साइंस का पीरियड होता तो यही सिखाती थी मैडम, पौधे लगाने चाहिए, सांस आती है, फल फ्रूट ताजे खाने चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा मैं नर्सरी ही खोल देती हूँ, एक पौधे ही लगाने का काम शुरू कर देती हूँ। अब बात तो तुमने ठीक कही कि तुम खूबसूरत पौधे उगाती हो, लेकिन अगर थोड़ा कम अपनी शक्ल पे कर लेती ना, तो तुम्हारे पौधे भी और तुम भी अच्छे दिखती, और लोग तुमसे सामान ले जाते। वो सामने लड़की दिख रही है, उसमें जो कितने सारे कस्टमर है, और लड़की भी कितनी सुंदर है, इसीलिए वहाँ पर कस्टमर ज्यादा है, क्योंकि वो सुंदर है। अपने आप को देखो, ये क्या पता नहीं ऐसा लग रहा है कहीं से चुरा कर लेकर आ गई हो। ऑनलाइन मंगाए मेसो से, समझी नहीं होगा, वहाँ 300 का मिलता है, सस्ते में मंगाए, सुंदर कपड़ा है वैसे तो, और पता क्या हुआ हमारी शक्ल को, इतने तो सुंदर लग रहे हैं, आज हिमालय से फेस वॉश करे, चलो तुम्हें पौधा दिखाए। अरे आओ, समझ में नहीं आता, हाथ मत लगा मुझे, दिमाग खराब हो गया तेरा, हमको बोला इज्जत से दिखा रहे हैं पौधा, तो थप्पड़ खाए हमारी, तुम्हारी इज्जत माय फुट, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे तुमसे, एक बार बोला दूर होकर बात करो। और ये क्या है, तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो, कॉलेज में मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी। अरे नहीं करनी मुझे तुमसे बात, नहीं पसंद तुम मुझे, और अगर इतनी पसंद होती ना कॉलेज में दोस्त बना लेती, अब कॉलेज में दोस्त बना आप क्या बनाऊंगी। क्या करती हो तुम, कितना कमाती हो? हाँ तुमसे तो ज्यादा ही कमाती हूँ। अच्छा जरा बता दो, जरा हम भी तो जाने कितना कमा लेती हूँ। इस शहर की सबसे बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी में काम करती हूँ मैं, 1.5 लाख रूपए कमाती हूँ महीने का, तुमने देखे भी है कभी 1.5 लाख रूपए? मैं कहाँ 1.5 लाख रूपए देखूंगी, मैं तो बस खाली दिन के 200-300 ऐसे देखती होंगी तुम्हारी नजर में। नहीं ये भी तुमने ज्यादा बोल दी है, मेरी नजर में तुम 10-20 रुपए ही कमाती होगी। हाँ 10-20 रुपए ही कमाती होंगी, वो भी तुम देके जाती हो मुझे दान में, है ना, वो 10-20 रुपए भी। मैं ना पैसे भी शक्ल देकर देती हूँ, और तुम्हारी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे भी दूँ। तुमसे अच्छी शक्ल है मेरी, समझ आ गई तुम्हें? वो तो सबको दिख ही रहा है किसकी शक्ल अच्छी है किसकी शक्ल अच्छी। चलो जाट तुम्हें का, तुम हमसे का गमला लोगे, हम तुम्हें नहीं देंगे, हमारा गमला भी सड़ जाएगा तुम्हारे पास आके। बस माइंड योर लैंग्वेज, तमीज से बात कर समझी, वरना अभी ना सबके सामने चप्पल उठाकर मुंह पर मारूंगी समझी। हमको मारोगी? हम भी सैंडल पहने उठा के मारेंगे तुम्हारे को, तुम तीनों सबको मार के दिखाओ। अरे दूर हटो, अबे संस्कार है हमारे माँ बाप के, तो नहीं तो उठा के चपड़ा देते और इस धरती पर गड़वा देते तुम्हें, तो पीछे हटो थोड़ा। मुझे धक्का मारेगी तू? हाँ समझ में नहीं आती एक बारी में बात, मुझे मुझे धक्का मारेगी दो तरीके की लड़की तू? एक बार बोल ना तमीज से बात कर, गरीब कहीं की, एक बार में बस समझ जाया कर, लोगों के सामने तमाशा बना रही है और ऐसे प्रिटेंड करी दोस्त मैं तेरी, अब पता चली जाएगा सबको तो मेरी दोस्त है ही नहीं। कितना बदतमीज हो तुम, बेअक्ल लड़की, अकल वक्ल नहीं है, ये पढ़ी हो तुम स्कूल में कि लोगों से इस तरीके से बात करा जाता है, तुम्हें इतना नहीं सिखाया तुम्हारे माँ बाप? मेरे माँ बाप पे जाएगी तू? मेरे माँ बाप पे जाएगी? हाँ मेरे माँ बाप पे जाएगी। तेरे माँ बाप ने क्या संस्कार दिए? हाँ ये छोटे मोटे काम करना, अपने से बड़े लोगों से दोस्ती करने का नाटक करना, अपने आपको अमीर शो ऑफ करना, यही सिखाया ना? गरीब लोग होते ही ऐसे, उन्हें अपने आपको अमीर दिखाने का शौक होता है, जहाँ अमीर लोग देखे नहीं उनसे रिश्तेदारी बनाना शुरू कर दो ताकि तुम भी अमीर दिख सको। नहीं नहीं तुम्हें गलत लग रहा है, हम क्यों अमीर बनेंगे? क्या गलत लग रहा है, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, बहुत देर से देखे जा रहा हूँ, तुम पता भी है मैं की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, कितना कमाती कितनी अमीर है ये, खुद को देख अपनी शक्ल देख जाके, रोज क्लब में जाते हैं बार में जाते हैं बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग, तेरे जैसे नहीं है ये रेडी लेके घूमते रहे, और ज्यादा बकवास करी ना आग लगा दूंगा, फेंक दूंगा इन सबको, चुपचाप निकल जाए ऐसे। क्या कर रहे हो अश्वनी, अगर तुम आग लगा दोगे तो बेचारी ऑक्सीजन कैसे लेगी, तुम्हें पता ऑक्सीजन की कमी है बहुत ज्यादा इस दुनिया में, तो पूर्ति तो यही करेगी ना। और हाँ क्या बोल रही थी तू कि महक 10-12 लोगों को लेकर साथ में चल दिया? अरे डिजर्व कर दिया, रॉयल फैमिली से भाई। अच्छा डिजर्व कर दिए 10-12 बंदे,
हाँ बहन सही कह रही है, ऑक्सीजन की कमी है तभी पेड़ पौधे लगाती हूँ, तेरी तरह इस चमची के साथ घूमती नहीं हूँ। ओ हेलो, चमची किसे बोला? ये बोलना तेरी औकात नहीं है, इस वजह से तेरे आगे पीछे कोई है नहीं, क्योंकि तेरे साथ जो भी रहेगा ना उसकी वैल्यू लेवल ना इतनी हो जाएगी। हाँ हाँ दिख ही रहा है वो तो सबकी शक्लों से, कितना मेकअप पोत कर आए हुए सबके सब। चमची किसे बोला? किसी के चमचे नहीं है समझे, खुद कमाते हैं, खुद के पैरों पर खड़े हैं, खुद इसकी चमची बता रही है। तुझे पता है आधे पैसे ये देती है तो आधे मैं देती हूँ, अपने औकात में रह के बात कर समझी। चमचागिरी तो तुम लोग करते हो, तुम जैसे लोग करते हैं अमीर लोग। पीछे हटो, ये कैसी दोस्त पाल रखी है तुमने, कैसे बात कर रही है मुझसे। सही तो कह रही मेरी फ्रेंड, तू पौधे लगाने में इन्वेस्ट कर अपना टाइम, और हम पता क्या करते हैं, हम इस एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। पता है कैसे? सिगरेट पी के, बियर पी के, दारू पी के, और पता है क्या, हुक्का पी के, राइट। और तेरे जैसे जब लोग हैं इस एनवायरनमेंट को सही करने के लिए, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, है ना? देखने में तो इतनी शरीफ सी लग रही हो सूट पहनकर, और लेकिन अंदर ये सब काम करती हो। अरे इन सबको तो दिखता है कपड़े भी उसी तरीके के पहने हुए, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दिखने में तो सही, मुझे लगा महक की दोस्त है तो कुछ अच्छा ही करती होगी, लेकिन नहीं, महक की दोस्त अच्छा कैसे कर सकती है। अरे ये सब तो मैंने महक से ही सीखा है, पता है क्या, इसी ने सिखाया था मुझे सिगरेट पीना, और तब से तो मैंने इतने छल्ले बनाए ना, बता नहीं सकती मैं। बहुत अच्छा काम किया, बड़ा गर्व का काम किया, अवार्ड देना चाहिए। एक काम करो, एक दो गमले तुम्हें गिफ्ट में ही दे देती हूं। थैंक यू सो मच, दे दो। वैसे भी तुम जैसे गरीबों को ना मैं पैसे नहीं दे सकती, वैसे तुलसी का पेड़ देना, क्योंकि मैंने सुना है कि डिजर्व नहीं करते तुम लोग तुलसी। वैसे मैं तुम्हारे इतने गवार दोस्त है, मुझे पता नहीं था। ए गवार किसको बोला रे तुझे, और बोले भी क्यों ना, तू तो है गवार, तुझे बुरा भी नहीं लगना चाहिए, और अब तक तुझे आदत पड़ जानी चाहिए ये सब सुनने की। अच्छा भूल गई क्या, साथ में पढ़ते थे मैं एक ही क्लास में, और मुझे गवार कैसे बोल रही, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। तो पढ़ने के बाद भी क्या मिला, तुझे तो ठेला ही मिला ना, और इसको देख। और दूसरी चीज ये, पढ़े लिखे लोग ना थर्ड क्लास लैंग्वेज में बात नहीं करते, तू तेरा मेरा पता नहीं क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो। आप लोग ना इज्जत डिजर्व ही नहीं करते हो, बदतमीज तरीके। गवारों के साथ ना ऐसे ही बात करते हैं हम, ठीक है ना, ज्यादा हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। गवार वो तो दिख रहा है गवार कौन हो तुम ही लोग। एक हाथ तोड़ के ना दूसरे हाथ में रख दूंगा। अरे महक एक काम करना, हम यहाँ से चलते हैं। तू क्या जाएगी, मैं भगा रही हूँ, निकल यहाँ से, नहीं तो मिट्टी उड़ा के तेरे मुंह पे पोत दूंगी। मुझसे ना थोड़ी तमीज में बात कर समझी, मैं तो उससे बात नहीं कर रही जो मुझसे जवान लड़ा रही है। बात करने जा तुम में से कुछ है भी, ऊपर से अपनी ना तमीज में कुछ ज्यादा जुबान नहीं चलने लगी है तेरी। तुम्हारे तो मैं तो हट जा, मैं तुम्हें मुंह पर तोड़ दूंगी। छोड़ इसे, छोड़, मारूंगी इसी से ही। अपने सामान यहाँ पर रख, वरना अभी पुलिस को बुला कर ना तेरे पर केस कर दूंगी, कि अपने औजार दिखाकर डरा रही है लोगों को। ये रही बात जाने की, तुम लोगों ने जो मेरे को मारा वो बिना बात के प्रूफ है, और अगर हमने पुलिस को यहाँ पर बुला लिया तो पुलिस हमारी बात पर यकीन करेगी। वैसे मैडम मेरे को कुछ पैसों की जरूरत है, मेरे को भाई के लिए। क्या हुआ तेरे गाल पे? इसका ये बाइक चला रहा था मैडम, इसका पूरा शरीर ये चोट लग गई है बहुत तेज, और भी कहां पैर में चोट लग गई है, हॉस्पिटल लेके जाना है इसको। अरे हद होती है बाइक चलाने की, इतना क्या। मैंने मना भी किया था, मैंने इसे मना किया था, मैंने कहा अभी मत चला। एक काम कर, मैं यूपीआई में पेमेंट कर रही हूँ, जाके कर ले। हाँ मैडम। क्या बोलते भैया, एक मिनट आप इधर आ रहा, जरा इनको इनकी औकात दिखानी है, बहुत देर से सुना। क्या कह रही है, पर टीचर के पास आईफोन कहाँ से आया, तुझे पता भी मैं कितना कमाती हूँ महीने का? हाँ बोला तो था 1-2 हजार। क्या अरे मैडम क्या बोल रही हूँ, तो मैं 1-2 हजार आपको पता भी है, इनके 50 बीघे में ये पूरी नर्सरी है। अरे बस करो भैया, बेवकूफ बना रही, सेकंड हैंड फोन है, दिख नहीं रहा इसके कवर से, 20 हजार का खरीदा होगा। अरे सेकंड हैंड कोई फोन नहीं है। वैसे रुपये तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम भी झूठ बोलने पीछे नहीं हटती हो, तुमने क्या सोचा कि तुम इन दोनों को यहाँ पर बुलाकर इनसे झूठ बुलवाओगी, और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी हालत क्या थी, और मैं कभी मान ही नहीं सकती कि तुम अमीर हो। देख बहन, मुझे ना तुम लोगों को प्रूफ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना तुम्हें कुछ प्रूफ करके मुझे मिल जाएगा, ना वो मेरी जमीन बढ़ जाएगी, ना मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, तो इससे अच्छा है ना अपनी जिंदगी में खुश रहो, वही किस्तों से सामान लेते रहना, और वही क्लबिंग करना, हुक्का मारना, छल्ले बनाना, तुम सबका वही काम है, ठीक है? पर मेरा वो काम नहीं है, मैं किसान हूँ, खेती करती हूँ, और उस खेती से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। और तुम्हें पता है, एक किसान अगर 1 बीघा में भी खेती कर लेना तो करोड़ों का मालिक होता है, तो अभी फिर भी मेरे से 50 बीघा है। चल निकल यहाँ से, और अपना रास्ता ना दोबारा ना अपनी शक्ल मत दिखाइयो, महक रहा ना, ये तुझे बोल रही हूँ, और तेरे चमचों को भी बहुत बेइज्जती हो रही है। हाँ भैया, ये मैंने आपको ना 40,000 सेंड कर दिए, ठीक है, गई दिखा दी अपनी औकात। अच्छा चल ना, तुझे भी ठेला खोलना है क्या? 40,000 गए बेचारे, कितने गरीब हैं,
किस्तों की जिंदगी जीते हैं, 40-50 हजार 1 लाख रुपया कमाते हैं महीने का, उन्हें पता ही नहीं कि मैं दिन का 60-8 हजार रुपए कमा लेती हूँ एक एक पौधा बेच कर। मैडम आपके जानने वाले थे क्या वो? अरे नहीं भैया, थे कुछ पुराने दोस्त। आप एक काम करो, इस गधे का इलाज करा के लाओ, जाके एक्सीडेंट करवा रहे पागल है, मेरे को जाके गमले बेचने हैं। चल यार पागल सा।